गाइज अभी हम जा रहे हैं भट्टा फल की तरफ, जो कि देहरादून से मसूरी जाते समय मसूरी से 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। इसका लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप यहां इजीली पहुंच पाए। तो चलिए पहले पहुंचते हैं भट्टा फॉल, फिर वहां का आपको वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पे आने के आपको दो रास्ते मिल जाएंगे। एक रास्ता जो कि आपको रोपवे का जो मेन पार्किंग है वहां पर लेके जाएगा, और ये जो दूसरा रास्ता है कच्चा रास्ता जिससे हम जा रहे हैं, ये रास्ता आपको जो भट्टा फॉल है उसका बेसिक जंगल से लेकर के जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ का कंप्लीट व्यू, इस व्यू से हमको ये रास्ता लेकर के जाएगा। गाइज यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये जो वाटरफॉल है, और इसके बीच में ये लंच के लिए ब्रेकफास्ट के लिए जो चेयर्स टेबल हैं वो लगाई हुई है। आप यहाँ पे आकर के ब्रेकफास्ट वगैरह भी आप कर सकते हैं। यह आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है ये वाटरफॉल है, और ये नीचे जाकर के कनेक्ट हो रहा है। गाइज यहाँ पे एक्टिविटी में आपको जिप लाइन करने के लिए भी मिल जाता है। जिप लाइन का चार्जेस है 300 रुपीज़ पर पर्सन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। इस एज से लेकर के उस एज तक जो है ये लेकर के जाते हैं जिप लाइन में, 300 रुपीज़ पर पर्सन का जो है कॉस्टिंग रहता है। और आप नीचे देख सकते हैं ये जो वाटरफॉल है इसके जस्ट ऊपर ये जिप लाइन का वायर जो है लगाया हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट टाइप बनाया हुआ है। चलिए अब नीचे चलते हैं। यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं कितना अल्टीमेट व्यू है। यहाँ पे काफी प्रेशर में जो है पानी ऊपर से आ रहा है। ये देख सकते हैं और भी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं। कपल्स भी आए हुए हैं काफी, जो फोटोशूट करवा रहे हैं अपना। गाइस जब आप ऊपर से आते हैं जिप लाइन से जाते हैं या तो आप स्टार के थ्रू, अदरवाइज आप अगर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ एक सिटिंग एरिया मिल जाता है बैठने के लिए, जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। आपको मैगी वगैरह जो है ऑमलेट वगैरह यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। गाइस आपको यहाँ ये बैठने की जगह मिल जाती है, अगर आप कुछ खाना चाहें तो ये भी जगह आपको मिल जाती है एक अच्छी खासी। गाइज जब आप भट्टा फॉल की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक एडवेंचर एंड एंटरटेनमेंट पार्क देखने के लिए मिलता है। इसमें रोपवे एंड भट्टा फॉल दोनों आपको देखने के लिए मिल जाता है। गाइज अगर एंट्री चार्ज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एंट्री चार्जेस 250 पर पर्सन देखने के लिए मिलता है बोथ साइड का है, और अगर आप एक साइड का देखते हैं तो 150 आपको चार्जेस देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर आपको बहुत सारे जो है एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। और गाइज अगर एक्टिविटीज़ की बात की जाए इस एडवेंचर पार्क में तो आपको ये एक्टिविटीज़ इसमें देखने के लिए मिल जाएगी, और नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, आप प्राइस भी कंफर्म कर सकते हैं कॉल करके इन लोगों से। और ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं इनका, इनका जो ब्रोशर था इन्होंने हमें प्रोवाइड कराया। तो चलिए अब अंदर चलते हैं।
जैसा कि हम रूप वे ले रहे हैं अभी, रीज़न ये है कि अभी जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, लगभग 5:30 टाइम हो चुका है। 6:30 पे ये क्लोज हो जाता है, एंटरटेनमेंट पार्क जो है, अम्यूजमेंट पार्क है, एडवेंचर पार्क, ये जो है 6:30 पे क्लोज हो जाता है। 9:30 मॉर्निंग में ये ओपन होता है। तो चलिए चलते हैं रूप वे देखते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर डिफरेंट टाइप्स की जो है आपको यहाँ एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप टाइम निकाल के यहाँ आएँ, क्योंकि कम टाइम में आप इसको प्रॉपरली एंजॉय नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। गाइज़ यहाँ पे आप जो है प्राइस देख सकते हैं किस चीज़ का कितना प्राइस है। यहाँ पे सारी प्राइस जो है मेंशन है, पर इनका जो एक पॉलिसी है वो ये है कि रिफ़ंड इसमें आपको ये जो है नहीं होगा। आप देख सकते हैं सारी प्राइस जो है यहाँ मेंशन है। गाइज आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको गाइड स्विंग भी मिल जाएगा यहाँ पे। काफ़ी एंटरटेनिंग है ये, लेकिन काफ़ी रिस्की भी है ये, और इसका चार्जेस रहता है 700 फॉर टू पर्सन्स। आप देख सकते हैं जो अपन रोप वे करने वाले हैं कुछ इस तरीके से ऊपर हमें लेकर के जाएगा, जिस वे से हम आए थे वहाँ पे लेकर के जाएगा। चलिए वहाँ ऊपर चलते हैं जहाँ से हमें इसको पिक करना है। गाइज अमेजिंग एक्टिविटी है, टाइम इशू की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज बहुत अमेजिंग एक्टिविटी है। गट्स ये आप देखिए, जेंट स्विंग को आप देखिए कितना शानदार ये लग रहा है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बोटिंग भी करने को मिल जाएगी, अगर आप बोटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप बोटिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। गाइज ये है ATV बाइक, आप चाहें तो इसको ड्राइव कर सकते हैं। 200 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। जैसा कि मैंने देखा टेक्निकल हैं तो थोड़ा दिमाग चलेगा, इसमें एक्टिवा का इंजन लगा रखा है यार, इसमें एक्टिवा का इंजन लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, जो टेक्निकल हैं जिन्होंने काम किया है वो देखते समझ जाएंगे इसमें एक्टिवा का इंजन लगा रखा है। खैर कोई बात नहीं, 200 रुपीज़ में बुरा नहीं है, एक्टिविटी कर सकते हैं आप। तो चलिए आगे चलते हैं। गाइज और एक्टिविटीज़ के लिए आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे आपको और एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप गेमिंग के फ़ैन हैं और बच्चों के लिए अगर एक्टिविटी देखना चाहते हैं तो उनके लिए एक्टिविटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं VR वाला। मेनली ये जो है बच्चों के लिए है, ये VR वाला आप कह सकते हैं, VR वाला जो है बड़े खेल सकते हैं, बाकी ये जो है बच्चों के लिए ज़्यादातर। यहाँ आपको बहुत सारे जो गेम्स लगे हुए मिल जाएंगे। कितना इसमें एंजॉयमेंट है, आप अगर यहाँ आते हैं तो डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। गाइज अब चलते हैं और रोपवे पकड़ते हैं ताकि हम ऊपर पहुंच पाए। गाइज ये देखिए टिंकू जी बैठे हुए, कैसा एक्सपीरियंस है टिंकू जी आपका यहाँ पे, फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं यहाँ पे? यस। आप यहीं से हैं? नो, आई एम फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा, दैट्स ग्रेट। एंड और भी भाई यहाँ बैठे हुए हैं, भाई आप कहाँ से? ऑल आर माय ब्रदर्स एंड दे आर फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान, ओह दैट्स ग्रेट, आई एम आल्सो फ्रॉम राजस्थान। यस, जयपुर। या, तो कुछ यूं हम आपस में बातें करते रहे, बातें करते करते रूप वे काफ़ी ऊपर तक आ गया था, समय काफ़ी अच्छा व्यतीत हो रहा था, काफ़ी अच्छा व्लॉग जो है हमारा बन रहा था, काफ़ी एंटरटेनिंग थे ये लोग जो मिले थे हमें। इनसे बातें करते करते काफ़ी हाइट तक हम आ चुके थे, धीरे धीरे देखते देखते लगा अब तो हम लगभग मंजिल तक ही पहुंच चुके हैं।
और देखा तो सही में रूपवे जो है अपने एंड पॉइंट पे आ चुका था। रूपवे की जो ट्रिप थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। गाइस फाइनली रूपवे का जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो चुका है, जो इसका राइड है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम टॉप पे आ चुके हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं इस तरफ पार्किंग है ऊपर की तरफ, और फॉग भी आप देख सकते हैं, फॉग भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है मसूरी में। अब अगर मैं बात करूँ रूपवे चार्ज की, रूपवे ट्रिप चार्ज की, तो उसमें आपको 150 रुपीज़ सिंगल साइडेड का मिलता है पर पर्सन, और अगर आप दोनों साइड का लेते हैं तो आपको 250 रुपीज़ मिलता है रिटर्न का। बोथ साइडेड इसमें आपको लेके जाते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा कम्प्लीट व्लॉग भट्टा फॉल का, जो कि रूपवे के थ्रू मैंने किया था। आप देख सकते हैं पीछे जो है इसका एग्जिट गेट है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कोई कमी रही या कोई क्वेरी कंसर्न है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।